हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। मैं हूँ बाबू और मैं हूँ डैडू और हम दोनों हैं पगडगर। चलो चलो अब जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मेरी सारी कपड़े पुरानी हो गई है, मुझे इतना ओल्ड ओल्ड कपड़े बिल्कुल भी नहीं पहननी है। मोर का डूडू के बच्चे मुझे शॉपिंग पर भी नहीं लेकर जाते हैं। कल जो डूडू फूडू मैं उसका पैसे पूरा कर ही रहूंगी। मोर का कंजूस डूडू के पैसे चुराऊंगी मैं, तब तो मोर का को बिल्कुल ही पता नहीं चलेगा कि मैं उसी के पैसों से शॉपिंग किया हूँ। मैं बताऊंगी मैं कुछ भी नहीं जानती हूँ, तुम ही पैसे कहीं पर भूल कर आई हो डूडू फूडू। वाह वाह बू, तेरी दिमाग तो बहुत तेज चलती है। कंजूस डूडू के पैसे तू ही उड़ाएगी, बहुत अच्छी करेगी। झिंगा 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 पुई पुई, झिंगा 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 पुई पुई, झिंगा झिंगा। मुटका डूडू, ओ माय मुटका डूडू, तुम्हें सैलरी मिला ही क्या? बताओ 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 मुझे, जल्दी जल्दी बताओ। आज तो तुम्हारा सैलरी मिलने का डेट है, तुम्हें जरूर सैलरी मिला ही है ना डूडू फूडू? हाँ सैलरी तो मिला है मुझे, लेकिन अगर मैं इस मोटकी बुबू को बताऊंगी कि मुझे सैलरी मिला है, तो मोटकी बुबू शॉपिंग करके करके खाना खाते खाते मेरा सब पैसा बर्बाद कर देगी। मोटकी बुबू को मैं कुछ भी नहीं बताऊंगा और मैं बाद में पैसे गिनूंगा पैसे। अरे ओ सुना 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 डूडू, तुम चुप क्यों हो? बताओ ना, मैं तो सेविंग के बारे में सोच रही थी। तुम्हें अगर आज सैलरी मिलेगा ना, तो मैं वो पैसे बिल्कुल भी खर्च नहीं करूंगी, सब पैसे सेव करूंगी। तुम बिल्कुल भी चिंता मत लो डूडू फूडू। बताओ बताओ तुम्हें सैलरी मिला है या नहीं, बताओ ना रे सुना डूडू। नहीं तो नहीं, नहीं मुझे कोई भी सैलरी नहीं मिला है बूबू, आज मुझे सैलरी नहीं मिला है। मुझे सैलरी मिलने में थोड़ा टाइम लगेगा, आज मेरे पास कुछ भी पैसे नहीं है। तुम बाद में सेविंग कर लेना, अब तुम जाओ यहाँ से। इस मोटका डूडू के हलचल से साफ पता चल रहा है मोटका को पैसे मिला है, लेकिन मुझे कुछ भी नहीं बता रहा है। मोटका तू क्या समझा है? मैं कुछ भी नहीं समझती हूँ, मैं तुझसे भी ज्यादा होशियार लगती हूँ। तेरे सारे पैसे मैं खर्च करके ही रहूंगी, क्या सजाए रे मोटका। तू पैसों से ऐसा आराम करेगा और मुझे कुछ भी नहीं खर्च कर देगा, वो कभी नहीं होगा। तेरे पैसों से मैं ही ऐसा आराम करूंगी, शॉपिंग करूंगी, खाऊंगी, घूमूंगी, फिरूंगी, डिस्को करूंगी, पुई 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 पुई, टिंगा चिका टिंगा चिका, पुई 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 पुई, टिंगा चिका टिंगा चिका। आइए आइए मोटकी बुबू, तुम पागली की तरह ऐसे नाच गाना क्यों कर रही हो? मैं तो तुम्हें बताया मुझे सैलरी नहीं मिला है, फिर भी तुम्हें इतना ज्यादा खुशी क्यों हो रहा है? मैं तो कुछ भी समझ नहीं पा रहा हूँ, क्या बात है बताओ मुझे, बताओ मोटकी बताओ। अरे अरे डूडू, तुम्हें तो पता है मैं कितनी ज्यादा पगली लड़की हूँ, ऐसे ही मैं नाचा गाना कर रही हूँ। ठीक है, तुम्हें जब सैलरी मिल जाएगा ना, तब तुम मुझे जरूर बताना, मैं सेविंग कर लूंगी और इस पैसों से मैं बहुत अच्छा अच्छा काम करूंगी। तुम देख लेना, मैं एक भी पैसे फालतू के खर्च नहीं कर लूंगी। हाँ ये हाँ मोटकी, मुझे तो पता है तू कितना ज्यादा अच्छा खर्च करेगी, हर वक्त फालतू के खर्च करती है। मुझे पता है सब कुछ, तेरे जाल में मैं बिल्कुल भी नहीं फंसूंगा। मैं तुझे कुछ भी नहीं बताऊंगा पैसों के बारे में, सब कुछ मेरे पास ही रख दूंगा, तू कुछ भी नहीं जान पाएगी। बेचारी मोटकी बुबू को कुछ भी पता नहीं चलेगा। मोटकी जब यहाँ से भाग जाएगी, मतलब दूसरे कमरे में रहेगी ना, तब मैं पैसे गिनूंगा, मोटकी को कुछ भी नहीं पता चलेगा। अरे मोटकी बुबू, तुम अभी तक यहाँ पर खड़ी हो? मैंने तुम्हें बताया ना मुझे ऑफिस का काम करना है, तुम अब जाओ यहाँ से, मुझे डिस्टर्ब मत करो, जाओ। फाइनली मोटकी इस कमरे से बाहर गई है, अब मैं पैसे गिनूंगा और इस पैसे को छुपा कर रखूंगा, मोटकी की नजर ही नहीं लगेगी पैसे के ऊपर। मेरा पैसे मेरा पैसे, मोटकी को कुछ भी नहीं दूंगा, ये है मेरा पैसे, मोटकी को पता ही नहीं चलेगी। मैं
अच्छे से गिन लेता हूँ। और जी दूदू के बच्चे तो पैसे गिन रहा है, इसका मतलब मेरा शक सही था। मोटका दूदू को सैलरी मिल गया है, लेकिन मोटका मुझसे झूठ कह रहा था। मोटका रे मोटका, अब तू गया काम से, तेरे पैसे मुझसे कोई भी नहीं बचा पाएगा। तू क्या सोचा है, तू मुझसे पैसे छुपा कर रखेगा, सैलरी के बारे में मुझे कुछ भी नहीं बताएगा। आज तू और तेरा पैसा दोनों ही गया काम से। दूदू जरा पीछे मुड़कर तो देखा, पीछे तो देखो पीछे। बुबू तुम कब आई, मैंने तो तुम्हें बिल्कुल भी नहीं देख पाया, कब आई रे मोटकी के। हाय रे बेचारा दूदू, कैसे देखेगा तू मुझे, तू तो पैसे गिनने में बिजी था ना। क्या सोचा था तू, तू मुझसे पैसे छुपा कर रखेगा, मुझे सैलरी के बारे में कुछ भी नहीं बताएगा। मोटका दूदू अब तो तू गया काम से, तूने बहुत ही बड़ा गलती की है रे दूदू, अब तुझे मेरे हाथों से कोई भी नहीं बचा पाएगा, कोई भी नहीं। बुबू बुबू सॉरी बुबू, आज के लिए प्लीज तुम मुझे माफ कर दो, मेरी सैलरी अभी मुझे मिला है, मैं ना असल में भूल गया था। नहीं मुझे अभी नहीं, क्या बोल रही हूँ, अब तुम मुझे माफ कर दो ना बुबू, प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गया है बुबू, प्लीज माफ कर दो, अब मैं ऐसा गलती कभी नहीं करूँगा, पक्का मुझे मत मारना मुटकी बुबू प्लीज। हाँ ठीक है, मैं तुझे नहीं मारूंगी, लेकिन मेरी एक शर्त थी। क्या शर्त थी बुबू, बताओ मुझे बताओ। तू तेरे सारे पैसे मुझे देगा और वो पैसों से मेरी जो मर्जी मैं वो करूंगी, मैं ड्रेसेस खरीदूंगी, खाना खरीदूंगी, सब कुछ मैं खाऊंगी, मैं तुझे मजा चखाऊंगी रे दूदू, और तेरा सैलरी मिलते ही तू वो सैलरी मेरे हवाले करेगा, बात समझ गया है ना तू, बोल शर्त मंजूर है तुझे। अरे मोटकी बुबू इसमें शर्त की क्या है, जो मेरा है सब कुछ तो तेरा ही है, तुम्हारा ही माई सोना बुबू, मुझे सैलरी मिलते ही मैं तुम्हें सब कुछ दे दूंगा, तुम बिल्कुल भी फिकर मत करो बुबू, तुम्हें जितनी मर्जी पैसे तुम लेकर जाके शॉपिंग करो, लेकिन मुझे मत मारना, मेरी नाजुक से त्वचा को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचता है, प्लीज मुझे मत मारना बुबू। हाँ, अब मुझे सारा पैसे मिल गया है, जा दूदू, आज के लिए तुझे मैं माफ किया, हाँ मैं पैसे से बहुत मौज मस्ती करूंगी, मैं चली मौज मस्ती करने। हे भगवान, मैं लूट गया, मैं बर्बाद हो गया, मोटकी ने मेरे सारे पैसे मुझसे लूट लिया रे भगवान।